a shot with me. I'm travel, I'm fast, I'm clean. I'm from this land, one man done conquered it all. And it stings, but let me say, you'll thank me yet one day. It's the price that we almost pay. Happy Navratri to everyone. आज हम बनाने वाले हैं कन्या भोजन स्पेशल थाली। नवरात्रों के टाइम कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं और कुछ लोग नवमी में कन्या पूजन करते हैं, तो आज हम बनाएंगे ये स्पेशल थाली। ये इतनी टेस्टी और इतनी टेम्पटिंग होती है ना कि आप रोक नहीं सकते अपना व्रत तोड़ने से। बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही सिंपल थाली होती है। फटाफट हम हमारी रेसिपी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी हमारे काले चनों से, जो मैंने एक कप लिया है। इसको रात भर मैंने भिगो कर रखा था और सुबह मैंने इसका पानी चेंज कर दिया था। इसको अच्छे से वॉश करके इसका पानी निकाल दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, जो मैं चनों से एक इंच ज़्यादा लूंगी, क्योंकि हमारे चने सूखे बनने वाले हैं, इसलिए इसमें मैं कम पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच सेंधा नमक। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी और दो विसल आने का वेट करूंगी, और उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूंगी। तब तक मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ, मसाला मिक्सचर, जिसके लिए सबसे पहले मैं लूंगी एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच सेंधा नमक, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूंगी ताकि मसाला हमारा जले ना। अब मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। कुकर से प्रेशर रिलीज हो चुका है। अब मैं चनों को चेक कर लूंगी और इसका पानी मैं आधा निकाल दूंगी। इसका पानी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसको पी भी सकते हो। अब मैं डालूंगी दो चम्मच तेल, एक चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने दूंगी तेल में, और फिर मैं डालूंगी मसाला मिक्सचर। जब तक कि इसका पानी सूखे ना, तब तक हम मसाले को पकाते रहेंगे। मसाला हमारा पक चुका है। अब मैं डालूंगी बॉयल चने। चनों में भी थोड़ा सा पानी है, तो मैं इसको हाई फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक कि ये पानी अच्छे से सूख ना जाए और चनों में मसाला अच्छे से मिक्स ना हो जाए। मसाला चनों में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच कसूरी मेथी, एक चम्मच आमचूर पाउडर और थोड़ा धनिया। इन सबको मैं अच्छे से मिला लूंगी चनों में। और इसको मैं ढककर रख दूंगी लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए। ये चने हमारे तैयार है। अब मैं शुरू करूंगी हमारे सूजी के हलवे से। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप देसी घी। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे 1/2 कप सूजी। हमारे सूजी की मेजरमेंट और हमारे चीनी की मेजरमेंट और पानी की मेजरमेंट और घी की मेजरमेंट सारे कप सेम ही होंगे। सूजी को हम लो फ्लेम पे भुनेंगे अच्छे से, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। ये कलर हमारा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे, हाई फ्लेम पे भी नहीं पकाएंगे और लो फ्लेम पे भी नहीं। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि हमारा पानी अच्छे से सूख जाए। ये सब मीडियम फ्लेम पे ही होगा। पानी अच्छे से सूख गया है। कुछ लोग पानी और चीनी को अलग मिक्स करके इसमें ऐड करते हैं, मैं इसको अलग नहीं ऐड करती, साथ ही करती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। इसको भी अच्छे से मिलाएंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची, 3 छोटी इलायची, 5 से 6 बादाम कटे हुए, 6 से 7 किशमिश, और इसको हलवे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हलवा भी हमारा तैयार है। अब हम बनाएंगे हमारी पूरी। इसके लिए मैं लूंगी 2 कप आटा, 1 चम्मच सूजी, 3/4 चम्मच चीनी, 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच तेल और 3/4 कप पानी। मेजरिंग कप आटा और पानी का हमारा सेम रहेगा, और आटा हमारा थोड़ा सख्त होना चाहिए क्योंकि हम पूरी के लिए ये आटा गूंद रहे हैं।
आटा हमारा सख्त है, हम पानी ज्यादा नहीं ऐड करेंगे इसमें। अब हम हमारी लोई बनाएंगे। इसको मैं तेल में डिप कर लूंगी और इसको आप बेलना शुरू करें। एक छोटी सी टिप, सूजी से हमारी पूरियां काफी क्रिस्पी बनती है और अच्छे से फूलती हैं। ये पूरी हमारी बेल चुकी है, अब हम इसको गरम तेल में अच्छे से तल देंगे। एक साइड से ये पक गई है, अब हम इसको दूसरी साइड से भी पकाएंगे। और ये पूरी हमारी तैयार है। ऐसे ही हम सारी पूरियों को बेल देंगे। हमारी गर्मा गर्म थाली तैयार है। आप इसे खाकर जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द मसाला स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कीजिए।